उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग हादसे में 17 दिन टनल में गुजारने के बाद शुक्रवार को मंडी जिले के भंगोट गांव का 20 साल का विशाल आखिरकार अपने घर वालों के बीच सकुशल पहुंच गया। वहीं रेस्क्यू टीम और उत्तराखंड सरकार की ओर से विशाल को दिए गए इस नए जीवन के लिए परिजनों ने उनका आभार जताया। जिगर के टुकड़े को सकुशल देख परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक उठे। वहीं विशाल के 19 दिनों के बाद घर पहुंचने पर परिवार वालों ने अन्य रिश्तेदारों और ग्रामीणों के साथ नाच गाकर जोरदार स्वागत किया और सभी लोग पलके बिछाए अपने लाडले का घर पहुंचने का सुबह से इंतजार भी कर रही थी। जैसे ही विशाल अपने पिता और भाई सहित घर पहुंचा तो उसकी माता और दादी ने अपने बेटे की आरती उतारी और सकुशल पहुंचने पर फूट फूट कर रोने से अपनी खुशी का इजहार किया। स्टार्टिंग में जैसे मेरी ड्यूटी सर 8 से 8 बजे तक थी, नाइट में 11 को रात को 8 बजे अंदर गया। सुबह के 5:30 बजे हमें जो खबर मिली कि पीछे कोलैप्स हो गया है 200 में, हम उधर आए। उधर हमने अब देखा कि हमारा जाने का रास्ता जो है बंद हो चुका है और बाहर जाने का रास्ता बंद हो चुका है, तो हमने सबसे पहले अपना ऑक्सीजन का जो हमारा मार्ग था, जो पानी का मार्ग था, उसको हमने खोला ताकि उससे हमें ऑक्सीजन अंदर आ सके। ऑक्सीजन हमें 24 घंटे तक प्राप्त नहीं हो पाई। ऑक्सीजन हमारे फेस में, हमारा फेस लंबा था, 2 किलोमीटर का था, इसलिए हमें 24 घंटे ऑक्सीजन में निकल गए। उसके बाद हमारी कंपनी ने धीरे धीरे आगे मकिंग हटाती रही और आगे बढ़ी। उनसे हमारी 24 घंटे बाद बातचीत हुई, कम्युनिकेशन हुई। उन्होंने हमको बताया कि आपको जल्द से जल्द बाहर निकाल दिया जाएगा और उन्होंने उसी हवा के साथ हमें हल्का भोजन अंदर भेजा और आधे आधे घंटे बाद हमारी खबर लेते रहे, हमसे बातचीत करते रहे। मतलब हमारा हौसला बनाए रखा बाहर से भी उन्होंने और अंदर भी हमारे हौसला बना रहा। और सर यही है, ऐसे करते करते सर हमारे 12 दिन निकल गए। 12 दिन के बाद हमारी जो 6 इंच की पाइपलाइन है सर, वो अंदर आई शाम के टाइम। और उसमें सर उन्होंने सबसे पहले कैमरा भेजा, उससे उन्होंने कहा सब अपना अपना चेहरा दिखाएं। फिर सब उन्होंने कैमरा वापस दिया, फिर उन्होंने माइक भेजा। फिर सर उसी पाइप की लाइन से उन्होंने रस्सी भेजी अंदर, रस्सी से उन्होंने बोतलों में खाना पैक करके हमें अंदर भेजा, हमने खाना खाया। फिर सर उसके बाद सर उन्होंने चार्जर हर एक सुविधा सर हमें अंदर प्राप्त करवाई जो हमें चाहिए थी। उसके बाद सर हमें उतनी दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उधर से हमारी बातचीत घर वालों से इंटरेक्ट करवाने लग गए, जो हमारे बाहर SDRF NDRF डॉक्टर, हमारे जो CM थे उत्तराखंड के, वो भी हमारे से डेली बातचीत करने आ जाते थे। इसलिए सर हमारा उसके बाद थोड़ा टाइम निकलना अच्छा रहा। वहीं इस मौके पर भला विधायक इंदर सिंह गांधी, जिला परिषद सदस्य रिवाल सर प्रियंका शर्मा और जिला मंडी भाजपा अध्यक्ष निहाल चंद शर्मा ने विशाल और उनके परिजनों का स्वागत कर सम्मानित किया। वही विशाल और उसके परिजन ने प्रदेश सरकार से हिमाचल में ही रोजगार मुहैया करवाने की मांग की है। सूर्य समाचार के लिए मंडी से कोमल भारद्वाज की रिपोर्ट।